एंट्री स्लो स्लो लेफ्ट फ्रंट, थोड़ा स्लो ले लो सर, थोड़ा स्लो, हाँ आराम आराम से, आराम से बिल्कुल। एक कैमरे लगे हुए थे खाली हेलमेट पे। कूद क्यों रहा है यार? बस बाइक के पास ही खड़ा रहा, वहीं हेलमेट निकाल दो। बस स्टैंडिंग देयर। हेलो वी गुड इवनिंग, मैं सतराज कपूर, आई एम अ लॉन्ग डिस्टेंस बाइकर एंड आई हैव जस्ट कम फ्रॉम अ ट्रिप ऑन द रोड। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। किशन इस तरफ है, ले लो ये, ले लो फुटेज, ये फुटेज ले लो, ले लो। वन क्लोज अप, दैट्स द फर्स्ट ओके, कम ऑल ऑफ यू, ये ले लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट क्लोज अप ले लो। लेडी बाइकर, शी इज फ्रॉम बाइकर न्यू, the largest ladies biking club in the Republic of India. Kunal Kapoor, Mr. Shashi Kapoor's son, on behalf of the entire biking community, we want to express our heartfelt condolences on the demise of Shashi Uncle, the biggest, handsomest superstar in the Republic. With this, at 12:21, 16th of April, I close my ride. Thank you very much. Welcome. इसको मेरे को बिजी मत कम 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 जो कम 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 मुझे तो इधर आज फोटो ले ली आज कम है कम कम दीदी कम दीदी कम मिलो ऑल ऑफ यू कम कम So we are all trying to, we all come here to welcome me. It's lovely to be back in the Republic of India. And that's a Ducati rider next to a Triumph. Next is Bikini KTM, this is my mother. That's me, Triumph, and all friends. And all of us have come here. Kunal himself was a very big rider in his younger days. There's a very healthy biking community. India is the largest, second largest biking country in the world. So we wish all biking communities to enjoy themselves and take care, a lot of safety on the roads. And good luck India. Dalit Center, everyone. Thank you. We can sit down now. Chalo, bike. Rolling? So it's been lovely, hot, dusty, dirty, whatever it is, I love my country. Like every human being likes their own country. Sabko apne desh se shauk hai.
मैं जब गया था इस यात्रा के ऊपर तो मैंने ये नहीं देखा कि मैं कितनी इमारतों में जा रहा हूँ। कुमार आओ यो, मैंने ये नहीं देखा कि मैं कितने इमारतों को देख रहा हूँ, कितने पत्थरों को छू रहा हूँ, मैंने ये देखा कि मैं कितने इंसानों को मिल रहा हूँ। और मैं हाईवे पर रहूँ, छोटे छोटे गाँव में गया हूँ, लोगों को मिला हूँ, बड़ा आनंद आया। किसी ने चोरी नहीं की, किसी ने धक्का नहीं मारा, लोगों ने फ्री में चॉकलेट खिलाया मुझे, एक आदमी ने फेरी के पैसे दिए। सो देर इज़ लॉट ऑफ लव इन द वर्ल्ड एंड आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट दैट आई हैड अ लवली टाइम। माई बाइक रैन वेरी वेल, दिस इज अ ट्रायम्फ, और कहीं भी सर्दी जुकाम नहीं हुआ इसको। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ट्रायम्फ फॉर स्पॉन्सरिंग मी, आई एम ग्रेटफुल टू ऑल माई स्पॉन्सर। सबका नाम लेना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि थैंक यू गॉड। सो गॉड इज इक्वल टू स्पॉन्सर दैन गॉड हिमसेल्फ, इज ईजियर टेलिंग यू लाइक दैट। आई रीच रशिया इन 4 degrees, 10 degrees। तो 10 दिन 10 degrees होता था, तो 10 degrees सेंटीग्रेड में हालत ख़राब हो जाए। आप कितने भी गर्म कपड़े पहनो तो जो मौसम होता है वो आ जाता है पीछे से। और उसके बाद में 4 दिन के बाद में 30 degrees हो गया था साइबेरिया में। तो रशियन लोग परेशान हो गए, तो उन्होंने कहा मुझे आप 30 degrees में कैसे जिंदा हो। मैंने कहा आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं जानता हूँ 30 degrees क्या है। सो दिस इज़ द वेदर, आप कुछ नहीं कर सकते हो। बरसात में फंसा मैं रशियन थंडर स्टॉर्म में। उसके बाद यूरोप गया, तो यूरोप में ठंडी और हल्की हल्की गर्मी शुरू हो गई। आई वेंट टू इटली, और यहाँ से एक इटालियन फ्रेंड है वो आए यहाँ पे मुझे मिलने के लिए, देयर शी इज़ ओल्गा, एंड आई स्टेड इन हर हाउस फॉर 2 weeks। तो बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, सब ने प्यार दिखाया। आपको कब लगा कि इस तरह का ट्रिप करना चाहिए, मतलब होल वर्ल्ड? मेरी कहानी बहुत अजीब है। आप पृथ्वी थिएटर पे खड़े हो, हाँ जी, यहाँ पे पृथ्वीराज जी ने अपना बताया सबको कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, उनका नाम है यहाँ पे, और सबको आशीर्वाद यहाँ से मिलता है थिएटर इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में। मैं फिल्म इंडस्ट्री में रहा नहीं, मैं पहले ही अलग लाइन में चले गया था। ये बहुत पूरा लंबी कहानी है, मेरे गुरु जी का हाथ था इसमें। तो कभी मुझे इतना सफ़र करने का मौका नहीं मिला, और जिस दिन, और करीबन 5-10 साल पहले मैंने सोचा कि चलो लेट्स सी व्हाट द फिल्म इंडस्ट्री, देख तो 5-6 पिक्चर है। कि कबीर मुझे तब से जानता है, इज़ अ वेरी नाइस फ्रेंड, आप लोगों से भी मिला होगा कहीं ना कहीं। और जब पिताजी का इंतकाल हुआ तो मैंने कहा बस अभी जो करना था लाइफ में कर लिया, अब मुझे आराम ही करना है। तो मेरे बेटे ने कहा डैड मोटरसाइकिल पे बैठ जाओ, तो मैं मोटरसाइकिल पे बैठ के कभी उतरा नहीं उसके बाद में। कबीर यार बाइकर ऑल्सो, ये भी बाइकर है लॉन्ग डिस्टेंस, या ही इज़ अ पार्ट टाइम फोटोग्राफर, इज एक्चुअली अ फुल टाइम बाइकर, बाइकर एंड आर्टिस्ट, या। सो देन दिस इज़ इट, आई गॉट ऑन टू अ बाइक, और मैंने पहले ही सोचा कि मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जाऊँगा। फिर मेरी वाइफ ने कहा पहले हिंदुस्तान घूमो, ये करो वो करो। सो आई डिड इंडिया भूटान नेपाल। मैं अपनी वाइफ के साथ धर्मशाला गया मोटरसाइकिल पे। तो करते करते स्टैमिना बढ़ाते बढ़ाते मैंने 1 साल प्लानिंग की, 1 ईयर प्लानिंग। मैं एक एक रोड को जानता हूँ, एक एक जगह जानता हूँ, एक एक शहर जानता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं ATM कार्ड लिया, बाइक ली, चाबी ली और निकले घर से, ऐसा नहीं होता है। तो सर साथ बाइक में जाना घूमना क्या क्या आप लेके गए थे साथ में? ये देखिए तीन, ये डर्ट सैक के 3 बैग्स हैं यहाँ पे, ये वाटरप्रूफ है, इसको सॉफ्ट लगेज कहते हैं। ये वर्ल्ड में किधर बनता नहीं, दिस इज द फर्स्ट टाइम समबडी इज मेड इट इन द वर्ल्ड। ये हिंदुस्तानी है, दिस इज इंडियन। मैंने सब जगह ढूंढा है वाटरप्रूफ बैगेज के लिए, पर वाटरप्रूफ किसी के पास ना, हाथ लगाइए ना, हाथ लगाइए। अच्छा चलो कैमरा बाद में छोड़ो। तो दिस इज वाटरप्रूफ एब्सोल्युटली। तो इसके अंदर एक साइड पे मेरे कल का सामान है, एक साइड पे परसों का सामान है, एक साइड पे आज का सामान है। और ये जो मेरा बेल्ट है आप देखिए यहाँ पे, ये मेरा पाउच है, स्पेशली मेरे लिए बनाया गया था इसी कंपनी ने, डर्ट सैक ने। इसमें मेरा अभी का सामान है, समझ लीजिए सब चोरी हो गया, हो सकता है कुछ भी हो सकता है वर्ल्ड के अंदर। तो मेरी दवाइयाँ, मेरे बेसिक डॉक्यूमेंट्स, मेरा पासपोर्ट यहाँ पे है, 10 महीने कभी भी ये पॉकेट से शिफ्ट नहीं हुआ है, यहीं है। तो मैंने हर चीज़ की प्लानिंग की, कितनी तकलीफें आ सकती है, क्या हो सकता है, समस्या के पहले समस्या तो पे पहुँचो तो समस्या नहीं आती है। सर जैसे कि आप दूसरे हर नई नई कंट्री में आप गए रहेंगे, तो जब पास वीज़ा मांगने का समय आता है तो किस तरह का, मतलब कुछ इंडिया में जब मैं गया वीज़ा मांगने के लिए, तो बहुत से लोगों ने पूछा कैसे जा रहे हो, मैंने कहा मोटरसाइकिल पे, तो कहते क्यों, अब क्यों का क्या जवाब है। और जब मैं बॉर्डर क्रॉस करने के लिए खास करके इंग्लैंड जा रहा था, तो वहाँ पे फ्रांस में कैले में इमिग्रेशन होता है, तो वहाँ पे बॉर्डर वाले ने पूछा कि यू आर 61 ईयर्स ओल्ड, व्हाई आर यू डूइंग दिस। मैंने बोला भाई शौक है, आई वांट टू डू इट, आई नेवर गॉट द अपॉर्चुनिटी व्हेन आई वाज यंग। सो उसने ठाक करके जोर से थापा मारा, स्माइल दिया, ने कहा गुड लक। तो लोगों को हैरानगी हुई कि ये बंदा क्यों कर रहा है ऐसा। बहुत से लोगों ने कहा यार एरोप्लेन में घुमा, बट इट वॉजेंट ईजी। मैं जब हाईवे पे होता था, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ गुजरती थी, तो मैं सोचता था मैं उसमें क्यों नहीं हूँ, इसमें क्यों हूँ।
मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दुख होता है, दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, फिर भी इन सब चीज़ों का हल करते करते आपके पास पहुँचा हूँ मैं। एक बहुत ज़रूरी मैसेज है। पहली बात है कि मैंने पाया क्या, मैंने ये देखा है कि मेरी मृत्यु कैसी है, कैसे हो सकती है, यानी मुझे अपनी इंसानियत समझिए, अपनी मृत्युता नज़र आई। जब सामने कोई ट्रक वाला तेज़ी से आ रहा है, कोई तकलीफ़ हो, मैं अटक जाता था, मैं फंस जाता था, मेरी चोरी होती थी, ये डर दिन ब दिन ये डर है मेरे सामने होता था, तो उसने मुझे एक इंसान बनाया। मेरा संदेश है इसलिए ये है, आप सब पत्रकार हैं, आप सब वीडियोग्राफर हैं, सिनेमेटोग्राफर हैं, अब वो हैं जो संदेशा लोगों को भेजते, तो ये बताइए ज़रूर कि सच्चाई जो होती है ये देखी नहीं जाती है, ये पढ़ी नहीं जाती है, सुनी नहीं जाती, ये केवल महसूस की जाती है। तो कैसी भी सच्चाई आप अपनाना चाहते हैं, पहले उसे महसूस करने की पूरी कोशिश कीजिए, उसके बाद संदेश आगे दीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसके बाद क्या करना? जी इसके बाद क्या करने वाले हैं? इसके बाद क्या करने वाला हूँ? इसके बाद व्हाट इज योर प्लान फॉर द फ्यूचर? मेरा फ्यूचर, आई एम अ रिटायर्ड एक्टर, रिटायर्ड बिजनेसमैन, रिटायर्ड ह्यूमन बीइंग। अब मैं केवल लिखता हूँ, अभी इसकी किताब लिखूंगा। ए मैंने मेरे पास 1,500 GB क्या 1,500 GB तो मीडिया है मेरे पास में, तो मैं एक फेस्टिवल फिल्म बनाने वाला हूँ, 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री की, मैंने ये सब पागलपन क्यों किया है। सर अलग अलग देशों में आप गए, कल्चर वाइज इंसानियत में आपको क्या फर्क? ये दो अलग शब्द हैं, कल्चर अलग है, इंसानियत अलग है। आप फैसला करो क्या पूछ रहे हो। दोनों ही मतलब कल्चरल डिफरेंस। कल्चर वो होता है जो किताबों में लिखी गई है, इंसानियत वो होता है जो दिल में लिखी गई है। तो मैंने दोनों देख लिए और मैंने दिल वाली इंसानियत देखी है और बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। दिल वाली इंसानियत कल्चर वाली इंसानियत को नहीं देखता है, वो अपने दिल के अंदर झांक के, क्यों मैडम, आई एम राइट माधुरी, तो अपने दिल के अंदर झांक के देखता है कि आओ माधुरी। इस बात पे आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू टू द बाइकरनी। एक छोटा सा आर्मी का स्क्वाड होता है, उसमें 1200 सोल्जर होते हैं। ये 1200 लेडीज़ हैं हिंदुस्तान के अंदर, द फर्स्ट लेडीज़ क्लब ऑफ इंडिया द बाइकरनी। और ये मेरे साथ अलग अलग शहरों में हिंदुस्तान के अंदर मेरे साथ सफ़र कर रहे हैं, तो यही मेरे साथ में यहाँ पे आप बात कीजिए इनके साथ। Founder of the club is Urvashi Patole. She started this The Bikerni, which is a woman motorcycle group, in 2011. So she started with a group of 6 girls, and now we have entirely in all over India we have 1200 females. What was the experience? Experience since Bikerni has started, I knew Urvashi since before that. So I've been in Bikerni since 2011. So the experience is actually tremendous. The kind of experience that we've got riding, taking care of our own self and taking care of within the group, it's tremendous. And what is the motive behind it? I mean, related to any social cause or something like that? We do social causes ride. We do go a lot of rides, which is social, like Beti Bachao, Beti Padhao and all that. But for the group, the motive is women empowerment. So there are many women who has a passion for riding and they are not able to come out of their houses. So we are there to be with them and we ride them, we teach them and then we make sure we ride with them. And any company, any corporate supporting in this venture as such? As of now, no company, but we do get sponsorships across from other company, like we had for Castrol for riding to Khardungla Pass and all. So we had different sponsorships from different companies. Thank you so much. Welcome. Thank you so much. Thank you. अभी मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाने वाला हूँ जो यहाँ आए हैं मेरे साथ। इनका नाम जनक है, ही इज़ अ राइडर, अ प्रोफेशनल बाइकर। ये ग्रुप्स लेके जाते हैं ले लद्दाख यहाँ वहाँ, इनसे मिलिए जनक बाबू, आइए बात कीजिए। तो थैंक यू सर फॉर द इंट्रोडक्शन। मेरा नाम जनक है, आई राइड अ स्क्रैम्बलर दुकाती, 2 साल से चला रहा हूँ और बहुत प्राउड फील होता है जब सर इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के साथ आपको सबके सामने लाते हैं। मेरी खुद की कंपनी है जैक एंड जिल द मोटो एक्सपेडिशन कंपनी। मैं अलग अलग जगह मोटरसाइकिल राइड्स लेकर तो जाता हूँ, पर सर मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आज एक सेफ्टी, एक एन्जॉयमेंट रहे और एक फाइन लाइन रहे कि
मतलब हर कोई जो मज़े कर रहा है वो जो जैसे जा रहे हैं, बस हम उतना देखें कि वो अपनी हद में रहें, अपने अपने लेवल में रहें। काफ़ी लोग चले तो जाते हैं पर उनको पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, तो मैं बस उसी चीज़ का ध्यान रख लेता हूँ कि वो अच्छे से आगे जाए और खूब घूमें। सर के साथ कब से आप जुड़े? मैं सर से मिला था, मैं पुणे में एक इवेंट में, मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस किया था और तब हमारी बातचीत हुई थी, तब उनको सब कुछ पता चला, तो मैंने उनसे कुछ कुछ करी थी। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि क्या था, पर आई फील रियली प्राउड टू बी समवन हु वाज अ पार्ट इन द मेकिंग ऑफ दिस ग्रेट राइड। सच अ गुड इनिशिएटिव यू हैव टेकन सर, इन फ्यूचर एनी प्लानिंग फॉर द फ्लीट टू बर्न आउट? इट इज कंटीन्यूअसली द एक्सीडेंट इज गोइंग इन इंडिया एंड वर्ल्ड आल्सो, द एनी सेफ्टी गेम अवेयरनेस कैंपेन यू विल प्रोवाइड राइडिंग अ बाइक? डेफिनेटली कीप इट। I might take up a safety campaign sooner or later, but I would just request everyone that, you know, enjoy yourself, don't mimic anyone, everyone is individual, so just go with the flow, have fun, and above all, respect everyone around you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. No ride, no bike trip is perfect if your bike isn't good. There are all kinds of bikes and there are all kinds of situations. हर किस्म के रोड है, हर किस्म की हालात है, और हर हालात के लिए आपको एक इंसान की ज़रूरत पड़ती है, किसी की सलाह की ज़रूरत पड़ती है। एंड इसमें आई वांट टू गिव अ वेरी बिग थैंक्स टू ट्रायम्फ इंडिया, जिन्होंने एक स्पेशल फ़ोन नंबर रखा था कि मैं जब भी तकलीफ़ में हूँ तो मैं उस फ़ोन नंबर से बात करके टेक्नीशियन से पूछूँ कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। आइए ट्रायम्फ, कम हियर आराश, थैंक यू वेरी मच। एंड आराश, टेल देम अ लिटिल बिट अबाउट ट्रायम्फ। वेल, इट्स अ 100 ईयर ओल्ड ब्रांड। It was there into existence possibly 1902, जब पहली बाइक बनाई थी, and it's been in India since 2014. We've manufactured incredible motorcycles and award winning possibly 54 awards won till date in a matter of around 4 years. Sir, हमारे पास आए थे अराउंड 1.5 ईयर बैक, आज हम वहीं से आ रहे हैं। वी आर सिटिंग ऑन द सेम काउच, सेम प्लेस, सेम टाइम, यू नो, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर बैक इट वाज सो नॉस्टैल्जिक के वो बैठे थे मेरे सामने एंड वी वर टॉकिंग एज टू व्हाट मोटरसाइकिल यू शुड बी टेकिंग डाउन, यू नो, इतना बड़ा राइड है। तब उस समय पे मैं किसी को जानता नहीं था जो इतना बड़ा राइड उनकी उम्र में करने की सोच रहे थे, सो इट वाज रियली रियली ग्रेट फॉर अस। एंड वी सैट डाउन एंड वी डिसाइडेड के उनको एक ट्रायम्फ बॉनविल लेनी चाहिए फॉर द राइड दैट ही वांट्स टू डू। उन्होंने बाइक खरीदी, आफ्टर दैट गुड 5-6 मंथ्स स्पैन दिया टू गेट यूज टू इट, गेट अकस्टम टू इट, एंड देन ही स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम दिस प्लेस ऑनवर्ड्स। एंड I have been a part of this entire process from day one, from the time that thought was actually playing in the back of his mind to where it is real and reality today. And thank you so much, sir. Really, really appreciate. And we are glad to see you standing here, safe and sound, first of all, and that this product has stood so strong around all terrains across the world. Thank you so much, and we have to book an appointment. A lot of people want to hear from you, okay? And we are trying to schedule some appointment whenever you have free time, you know, possibly ekad entire journey ka explanation. A trillion people are waiting to hear it. Thank you very much. Pleasure is all mine. Thank you, guys. Thank you. Thanks. Thank you. Thank you.
rolling? Yes, sir. Okay, I now have to introduce you to a fantastic guy who's been in charge of my complete social media. And this is India's new and latest startup company called Scout My Trip. और ये वादा करते हैं कि Google को भी धक्का मार के बाहर निकालेंगे. They are already on level one of funding. And please meet Vineet here. And Vineet, बताओ जरा अपने बारे में. Thank you so much, Aditya, for the glowing words. It is no joy. I mean, I don't know how to describe this to see Aditya back in Bombay. I mean, this is where it started. I remember this was May last year, and we were all standing here, and the joy in Aditya's face then that he was, you know, going on for this trip, and now that I see him, I hugged him right now, and I know that it's a changed person, and he has changed. He has, I think, become 100 times the kind of guy that we all want to respect. I mean, whatever he was, he's 100 times more. I mean, I don't know how else to describe it. But it's been a pleasure following Aditya's journey on social media. I mean, his official website is hosted with us, which is quite an honor for us. He goes by the name Lord Fusebox, and we kind of manage that also for Aditya. But having said that, we are India's official, if I may not call it official, the first all-in-one road trip planner, and that's where we really stepped in for Aditya. All the community support is where we have really tried to help him in the best of to our capabilities. It's been an absolute pleasure to follow Aditya. Welcome back home, Aditya. Well, that's what we started off. The final leg of the social media was come home, Aditya. And I think he's back home where it all started at Prithvi Theatre. And I don't think there's a better place for this. Talking about your company, what is the vision and what really made you start a company? We all, in fact, Aditya and I, we go a long way back. We started biking together. We were all part of a club called Bison's Ride Hard. The club officially gave all of us wings, and that's where it started. And we realized that there are so many more like us who want to travel India on bike, in car, with their families, with their pets. And we needed to give them a safe environment to do this. Hence, Scout My Trip came into existence, and our entire idea was to make road trips fun, less stressful. So you don't have to worry about the next bathroom, the next decent restaurant, or which dhaba on the highway serves Jain food. That is where Scout My Trip is really going all out in terms of building these technologies. Last year, we were also amongst the top 20 travel technology startups by FICCI. This year, we were voted amongst the top 10 by Silicon India. And so we have a long way still to go, but we are going all guns blazing. The recent feather in the cap was integration with DigiLocker, which is part of the Digital India program of the Government of India. And our idea is quite simply making road trips fun. And we go by this tagline saying going aage se right. So, yes. Thank you so much. Thank you.